हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं गुआवा चीज की रेसिपी, जो कि गोवा की एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश में से एक है। ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे बनाने में हमें जो है बस 3-4 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट में बहुत ही स्वादिष्ट जो है ये स्वीट डिश जो है बनकर तैयार हुई है। तो चलिए बिना देर किए आज की हमारी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पके हुए अमरूद लिए हैं, इसे हमने अच्छे से धोकर साफ करके लिया है। तो इसके हम ये ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम काट कर अलग कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे काट कर अलग कर देंगे और इसे हम अब बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से जो है हमने सारे काट कर तैयार कर लिए है। इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है, इसे हमें उबालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुकर में 1 गिलास पानी डाले हैं और सेंटर में हमने एक कटोरी रखा है। आप इसके जगह पर कोई रिंग या स्टैंड डाल सकते हैं और इसके ऊपर हम ये बाउल रखेंगे और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे लगा देते हैं और 1 सीटी आने तक हम इसे उबाल लेना है। तो यहाँ पर चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा जो ये गुआवा है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, पक गई है। तो हम इसे निकाल लेते हैं और जब ये हल्की ठंडी हो जाएगी तब हम इसे जार में डालेंगे। आप देख सकते हैं इसके सीड्स जो है कितने अलग हो चुके हैं। तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और उसे हम छान लेंगे ताकि जो इसके बीज है जो वो छान कर अलग हो जाए। तो इस तरीके से इसे दबाते हुए इसका जो है पल्प अलग कर लेंगे और इसके सीड्स को हम अलग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जो है इसके सीड्स जो है निकल गए हैं, तो इसे हम फेंक देंगे और अब हम जो है गुआवा का पल्प का यूज़ करेंगे। तो ये करीब जो है 1 कप के जितना है। तो यहाँ पर हम जो है गैस ऑन कर एक पैन रखे हैं और इसमें हम डालेंगे ये गुआवा प्यूरी, ये 1 कप है। तो हम 1 कप ही जो है शुगर यहाँ पर डालेंगे। जितने हम पल्प यूज़ करेंगे उतने ही हम शुगर यूज़ करेंगे, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो धीरे धीरे पकाते हुए आप देखेंगे कि शुगर जो है घुलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं शुगर जो है काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इस स्टेज पर डाल देंगे ग्रीन फूड कलर। तो यहाँ पर हमने 2-3 ड्रॉप डाला है, आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर रेड भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। तो इस प्रोसेस को करते हुए हमें लगभग जो है 12 से 15 मिनट जो है पूरे लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसी स्टेज पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इससे जो है शुगर को जो है क्रिस्टलाइज भी होने नहीं देगी। तो देखिए इस तरीके से इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर ले और इसे लगातार चलाते रहें, इसे छोड़े ना, नहीं तो ये तले से लग सकती है और फिर जल सकती है, तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है लगातार चलाते रहना है और चलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोसेस को करते हुए हमें पूरे जो है 15 मिनट हो चुके हैं और पहले से देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है थिक हो चुकी है, इसे हमने लगातार चलाते हुए पकाया है। तो यहाँ पर हम इसी स्टेज पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून बटर, आप चाहे तो बटर की जगह पर घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर देते हैं। तो इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर डालने से क्या होगा, हमारे जो मिक्स में है बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। तो इसे भी डालकर हम मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक ये थोड़ी सी और गाढ़ी ना हो जाए और ये तले को ना छोड़ने लगे। तो इस तरीके से आपको जो है लगातार चलाते हुए पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो मिक्स है बिल्कुल परफेक्ट पककर तैयार हो चुका है और देख सकते हैं ये साइड साइड को भी जो है छोड़ने लगे, ये खट्टा सा होने लगा है। तो ये हमारा जो मिक्स है परफेक्ट कुक हो चुका है और यहाँ पर हमने इसे सेट करने के लिए यहाँ पर टिन में हमने पहले से ही घी जो है लगाकर रख लिया है। आप चाहे तो घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं और ये मिक्स हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से डालकर हम जो है इसे चारों ओर इक्वली जो है स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये चिपक रही है तो आप थोड़ा सा स्पैचुला में घी लगाकर इसे इस तरीके से इक्वल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसे दबाते हुए इक्वल कर ले और अब हम इसे जो है इसी तरीके से ऐसे ही छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए। जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगी तब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ
और देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वीट जो है ये बनकर तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने ग्वावा प्यूरी के साथ जो है शुगर और लेमन जूस ऐड करके जो बनाया है, जिस कारण से इसका टेस्ट जो है खट्टा मीठा चटपटा सा जो है आता है, जिस कारण से ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जब आप इसे एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तभी जो है आपको इसके स्वाद का पता चलेगा। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।